छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल इन दिनों एक्शन मोड पर है और वो ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। छत्तीसगढ़ में अब कौशल्या माता मंदिर को लेकर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की तरफ से आरएसएस ने एक बड़ी बैठक यहां पर रखी थी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें न्योता दिया था कि सरकार गौठान यहां पर कारगर तरीके से बना रही है, गायों के लिए बेहतर व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा उन्होंने निमंत्रण भी दिया था ननिहाल, इसे भगवान राम का कहा जाता है, माता कौशल्या के मंदिर को भव्य तरीके से यहां पर बनवाया गया था, उसके दर्शन करने का न्योता आरएसएस को सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया के जरिए दिया था। लेकिन जब कल उनसे बातचीत की गई, आरएसएस के लोगों से बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें ऐसा कोई निमंत्रण नहीं मिला है, जिसके बाद राजनीति एक बार फिर से गरमाई। आज सुबह ही तमाम कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने सीधे आरएसएस के लोगों के पास में जाकर उन्हें हाथों हाथ लेटर देकर उन्हें निमंत्रण दिया कि वो आए कौशल्या माता के मंदिर का दर्शन करें, गौठानों का निरीक्षण करें। इसके अलावा और भी कुछ बातों का जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन अब उसके बाद राजनीति तब गर्मा गई जब आरएसएस के लोग, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद माता कौशल्या के मंदिर पहुंचे, दर्शन करने के लिए वहां पर वो पहुंचे हुए थे, क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ की तरफ से निमंत्रण, छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से निमंत्रण दिया था, कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण दिया था। और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि इस निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया नहीं, इस निमंत्रण के आधार पर ही वो वहाँ पर पहुँचे, माता कौशल्या के मंदिर पर न भ्रमण किया केवल, बल्कि वहाँ पर दर्शन भी किया। लेकिन अब राजनीतिक बयानबाजी चर्चा का विषय यहाँ पर बन चुकी है कि सीएम भूपेश बघेल के न्योते को किस तरीके से उन्होंने स्वीकारा है, किस तरीके से आरएसएस ने उनके न्योते को लिया है, और आरएसएस अब मंदिर को लेकर जिस तरीके से लगातार राजनीति करती है, बयान करती है, हिंदुत्व को लेकर बयान करती है, गौवंश को लेकर बयान देती हुई नजर आती है, उनके काम को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कांग्रेस क्यों नहीं करती। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कौशल्या माता के मंदिर दर्शन के लिए उन्हें बुलाया,
गौठान के निरीक्षण के लिए उन्होंने बुलाया, तो एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है कि आरएसएस यानी कि भाजपा लगातार आरएसएस और भाजपा मिलकर जिस तरीके से हिंदुत्व और मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, गौवंश का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की सरकार लगातार इन मुद्दों पर हावी है। ऐसे में आने वाले दिनों में आरएसएस की जो कोशिश है, भाजपा की जो कोशिश है कि कैसे यहाँ पर फिर से हिंदुत्व की अलग जगाएंगे और कैसे यहाँ पर फिर से गायों के मुद्दों को प्रचारित यहाँ पर किया जाएगा, कितना उसका फायदा यहाँ पर भाजपा राजनीति को लेकर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमेशा कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी केवल गायों के नाम पर, मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस राजनीति का कितना असर होगा और किस पर होगा, ये आने वाले वक्त पर।